पांच एटिन गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में चंद्रमा है। खुद को संतुलित रखने की कोशिश करें। आज आप हर स्थिति में अपना भावनात्मक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें सफल भी हो जाएंगे। कठिन परिस्थिति बने तो खुद को शांत रखने की कोशिश करें। आज आप अपना पक्ष बेहतर ढंग से रख सकेंगे। भाइयों और दोस्तों से फायदा हो सकता है। परिवार में शुद्ध प्रसंग आएगा। निवेश और व्यापारिक यात्रा से भी फायदा होने के योग बन रहे हैं। प्रेम प्रस्ताव मिलेंगे। रुके हुए पैसों के लिए कोई नया प्लान दिमाग में आ सकता है। नेगेटिव, आज आपके किए अच्छे कामों का फल दूसरे लोगों को भी मिल सकता है। किसी बात को लेकर मन में बेचैनी रहेगी। मन में आने वाले नए विचार या सुझाव आपका भला कम करेंगे और नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। सोच समझ कर ही कोई बड़ा कदम उठाएं। पारिवारिक मामलों पर आपको काफी समय और ध्यान देना होगा। दूसरे लोग आपका फायदा भी उठा सकते हैं। जोश में आकर किसी को कोई जवाब ना दे। व्यस्तता के चलते कोई प्लान पूरा होने में समय लग सकता है। क्या करे, किसी ब्राह्मण को खीर खिलाए। लव, आज आपको कोई प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। इसको थोड़ी गंभीरता से ले। प्रेम का मौका बहुत छोटे छोटे अंतरालों में मिलेगा। उनका सही उपयोग करना आप पर निर्भर है। करियर निवेश से फायदा होगा। अटकते कामों में लोगों से मदद मिलेगी। यात्रा भी कारगर हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। साथियों की मदद मिल सकती है। हेल्थ सेहत पर ध्यान दें। मौसमी बीमारियां हो सकती हैं। पुराने रोग अभी बने रहेंगे। परिवार के मामलों में अपनी जिम्मेदारी निभाते जाएं। खरीदारी करनी पड़ सकती है। कोई पुरानी देनदारी भी निपटा लेंगे। आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। धन लाभ होगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बिजनेस में धन लाभ की पूरी संभावना बन रही है। मीठा बोलकर काम पूरे करवा लेंगे। आपकी कार्य क्षमता भविष्य में भी फायदा दिलाएगी। काम काज की गति भी धीमी हो सकती है, लेकिन इससे आपको फायदा भी होगा। भरोसेमंद लोगों से बात करें और अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करें। नेगेटिव, असंतुलित विचार दिमाग में रहेंगे। आप बस इन बातों को खुद पर हावी ना होने दें। आज आप अपनी बात अच्छी तरह कह नहीं सकेंगे। इसके कारण गलत फहमी भी हो सकती है। दूसरों की सलाह पर ज्यादा भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। आज आप अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा तनाव हो सकता है। क्या करें, से 50 साल के किसी ब्राह्मण को अनार दान दें। लव, आपकी तरफ से तो पार्टनर खुश रहेगा, लेकिन हो सकता पार्टनर आपको जाने अनजाने में कहीं हर्ट भी कर दे। करियर बड़ा निवेश करने से बचें। बिजनेस में धन लाभ होगा। काम की गति धीमी रहेगी। नए अनुबंध ना करें। स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य से अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। हेल्थ सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा। उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। मिथुन, पांच एटिन पैसों से जुड़े कई मामले आपके सामने हो सकते हैं। कई तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। आज आप कुछ मामलों में सही फैसले करेंगे और सही समय पर सही कदम भी उठा सकते हैं। राजनीतिक मामलों में सफलता मिलेगी। कोई बड़ा फैसला भी आज आप ले सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस खिले से और बढ़ भी सकता है। बिजनेस में नए क्षेत्र में प्रवेश का मौका मिल सकता है। आपके लिए निवेश फायदेमंद रहेगा। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। कोई ऐसी खबर भी आपको मिल सकती है। दलाली के कामों में लाभ होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आ सकती है। नेगेटिव, कोई बकाया बिल भरना पड़ेगा। सावधान रहे, कोई भी निवेश सोच समझ कर करें। आपको कुछ कामों में परेशानी भी रहेगी। कुछ ना कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। दोस्तों और प्रेमी जनों के साथ कोई अनबन होती है तो उसे विनम्रता से सुलझाने की कोशिश करें। मन में पुराने डर और चिंताएं रहेंगी। उन्हें हावी ना होने दें। करियर में आपके तेवर आक्रामक हो सकते हैं। इससे किसी तरह का नुकसान होने का डर रहेगा। क्या करें, अनाथालय या किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान दें। लव, अपने पार्टनर के प्रति प्यार रहेगा। आपके लिए प्रेम के आदर्श सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
करियर बिजनेस में नए क्षेत्र में प्रवेश के मौके मिलेंगे। निवेश फायदेमंद रहेगा। पदोन्नति के समाचार मिल सकता है। स्टूडेंट्स कुछ मामलों में परेशान भी रहेंगे, कुछ निराश भी होंगे। हेल्थ, मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति मिलेगी। कर्क का जीवाज आप में उत्साह रहेगा। बहुत सारी नई योजनाएं और विचार मन में रहेंगे। हर मामले को धैर्य से निपटना होगा। स्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएंगी। इस दौरान आपको नई बातें भी पता चल सकती हैं। संतान की तरफ ध्यान दें। यात्रा का भी योग बन रहा है। नए संपर्कों से फायदा होने के योग बन रहे हैं। संतान से सुख मिल सकता है। बिजनेस में गति आ सकती है। अधीनस्थ लोगों और अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता होगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। नेगेटिव, आप कुछ मामलों में जल्दबाजी ना करें। ज्यादातर मामलों में विलंब की स्थिति भी बन सकती है। कुछ चीजें तय समय से देरी से शुरू हो सकती है। उनके परिणाम स्वरूप आपकी गति भी धीमी हो सकती है। आपके सामने कुछ मामले उलझे हुए भी रहेंगे। खुद पर कंट्रोल रखने में समस्या महसूस कर सकते हैं। कुछ मामलों में अपनी मनमर्जी करेंगे तो परेशानी होगी। नुकसान भी हो सकता है। क्या ना करें, सुगंधित तेल का उपयोग ना करें। लम्बी जीवन के लिहाज से समय थोड़ा कमजोर हो सकता है। अपने मन की बात कह नहीं पाएंगे। प्रेमी और जीवन साथी के साथ किसी गंभीर मामले पर चर्चा ना करें। हल्की फुल्की बातों में दिन बिता लें। जीवन साथी का रवैया सहयोगात्मक भी रहेगा। करियर बिजनेस में गति आएगी। अधीनस्थ और अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। जरूरी मदद मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। छात्रों को कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हेल्थ, पुराने रोगों का सामना करना पड़ सकता है। पेट भी खराब हो सकता है। पॉजिटिव धैर्य से काम लें और हर स्थिति पर नए सिरे से विचार करें तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। फायदा भी हो सकता है। आप अपनी बात साफ तरीके से रखें और दूसरे पक्ष की बात ठीक से समझने की कोशिश करें। परिवार और ऑफिस में अनिश्चितताओं का माहौल खत्म हो सकता है। इससे आपको राहत मिलने के योग है। अचानक यात्रा और फायदे के योग है। घर परिवार के मामलों पर समय देना होगा। महत्वपूर्ण कामों पर नजर रखें। बिजनेस भी अच्छा रहेगा। प्रोफेशन में सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। विवाह योग्य के लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। नेगेटिव, अपनी उम्र से बड़े लोगों या अधिकारियों के साथ गलतफहमी भी हो सकती है जो आपके हित में नहीं रहेगी। कुछ मामलों में आपका मनोबल भी कमजोर हो सकता है। असुरक्षा की भावना आप पर हावी हो सकती है। जीवन के कुछ क्षेत्रों में परिस्थितियां उलझ सकती हैं। आप आज ऐसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं जो आपके ही हितों से या आपकी महत्वाकांक्षाओं से मेल ना खाती हो। किसी झंझट में भी फंस सकते हैं, सावधान रहें। कोई ऐसा मामला उठ सकता है जो पुराना है लेकिन सुलझ नहीं सका। क्या करें, लाल कपड़े में सिंदूर से स्वस्तिक बनाकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। लव प्रेम संबंधों में कोई भावनात्मक क्लू आपको परेशान कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। विवाह योग्य लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। करियर बिजनेस अच्छा रहेगा। प्रोफेशन में सफलता मिल सकती है। ऑफिस की समस्या पर बात करते समय आप अपना ही कोई भेद खोल सकते हैं, सावधान रहें। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। दिन शुभ रहेगा। हेल्थ, ज्यादा मिर्च मसालों से नुकसान हो सकता है। कन्या, पॉजिटिव, टूट चुके संबंधों को जोड़ने की सोच रहे हैं तो सफल हो जाएंगे। अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं पर विचार करें। सपने साकार करने के लिहाज से दिन अच्छा है। ग्रहों की स्थिति आपको हाथों हाथ फैसला करने के लिए प्रेरित करेगी। सोच विचार करके लिए फैसले आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे। विश्वास पात्र दोस्तों की मदद या सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। दूसरों की मदद करने के मौके भी मिल सकते हैं जो आपके लिए भी बहुत लाभदायी रहेंगे। आज सोच में सकारात्मकता रहेगी। बिजनेस और निवेश के मामले में फायदा हो सकता है। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं।
प्रेम संबंधों में ड्राई बढ़ेगी। जीवन साथी से भी सहयोग मिल सकता है। नेगेटिव आज आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। किसी फैसले या स्थिति में तब तक शामिल ना हो जब तक उसे ठीक से ना समझ ले, सारे विकल्पों पर विचार कर ले। थोड़ा मानसिक दबाव या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें, पीली मिठाई किसी गरीब को दे। लव प्रेमी से गंभीर मामलों पर बातचीत हो सकती है। संबंधों में ढिलाई बढ़ेगी। जीवन साथी से सहयोग मिल सकता है। नए व्यक्ति से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। करियर नौकरी के लिए किसी नए संगठन और नए चेहरों से ही बात करना बेहतर रहेगा। बिजनेस में फायदा होगा। आपके लिए निवेश फायदेमंद रहेगा। धन लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन मिला जुला हो सकता है। दिन की शुरुआत में परेशानी हो सकती है लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। हेल्थ अस्वस्थ महसूस करेंगे। आलस्य और थकान रहेगी। तुला पॉजिटिव महत्वपूर्ण मामलों में शांति से विचार कर सकते हैं। आपको सारी स्थिति समझ आ सकती है। किसी भी काम में कोशिश करते रहे तो सारी स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी और आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। विचार विमर्श में आपको काफी समय भी देना होगा। धन और परिवार से संबंधित कोई बड़ा काम भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी से मिलने का समय भी तय हो सकता है। किसी खास व्यक्ति से मीटिंग होने की संभावना है तो उसका नतीजा भी आपके फेवर में आ सकता है। संतान से कोई अच्छी खबर भी मिलने के योग बन रहे हैं। कारोबार के लिए यात्रा फायदेमंद हो सकती है। नौकरी में जिम्मेदारी और कामकाज बढ़ सकता है। नेगेटिव चिंता रहेगी। किसी ना किसी तरह की घबराहट भी हो सकती है। विचारों में बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा खराब ना करें। नकारात्मक विचारों में फंसकर आप अपना नुकसान करवा सकते हैं। आपके उत्साह में भी कमी या सुस्ती महसूस हो सकती है। कुछ लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं। क्या करें, रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगाकर कौवों को खिलाएं। लव मूड अच्छा रहेगा। पार्टनर से प्रेम रहेगा। सौंदर्य की वस्तुओं पर पैसे खर्च होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। प्रेम संबंधों में ढिलाई बढ़ सकती है। दिन आपके फेवर में हो सकता है। करियर कारोबार के लिए आपकी यात्रा फायदेमंद रहेगी। बातचीत करते समय सावधान रहे। हो सकता है कि आप कोई बात ठीक से सुन ना सके। स्टूडेंट्स को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ सेहत के मामले में आपका दिन सामान्य हो सकता है। थकान और आलस्य कम हो सकता है। वृश्चिक पॉजिटिव, ऑफिस में आप हर काम को बारीकी से पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी योजना या इरादा है उस पर कदम उठाने के लिए एक बार फिर से विचार भी करें। जरूरत पड़ने पर किसी तरह का बदलाव करने में भी संकोच ना करें। कार्यक्षेत्र में जो भी रुकावटें आ सकती हैं, उनसे आप कुछ नया सीख सकते हैं। कुछ बातों को गुप्त ही रखें। साथी से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। मनोरंजन में समय बीतेगा। नेगेटिव, अपने फायदे को छोड़ने में संकोच ना करें। मन एकाग्र रखने में मुश्किल हो सकती है। वाहनों और मशीनों से भी सावधान रहे। फालतू खर्चा हो सकता है। आपके व्यवहार में तीखापन रहेगा। साथी आपसे नाराज भी हो सकता है। कुछ मामलों में सफलता नहीं मिलने से आप परेशान रहेंगे। दिन भर किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन बनी रहेगी। आपकी कोई राज की बात उजागर हो सकती है। संभल कर रहे। क्या करें, लोहे की कोई जंग लगी खराब चीज ऑफिस घर या दुकान से हटा दे। लव, अविवाहित लोगों को प्रेम प्रस्ताव में असफलता मिल सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। करियर बिजनेस के लिए दिन खास नहीं होगा लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। किसी काम के लिए मेहनत करते रहे उसका कोई समाधान अभी नहीं मिल पाएगा। स्टूडेंट्स को सफलता के लिए एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। हेल्थ, आलस्य और थकान हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धनु पॉजिटिव, लोगों की निगाहें और पूरा ध्यान आप पर रहेगा। मन की बातें मन में ही रखने की कोशिश करें। अपने राज जितने गोपनीय बनाए रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा हो सकता है। दूसरे क्या कहते हैं इसे गौर से सुनते रहे। अपने मन पर भरोसा रखें। पारिवारिक जीवन का क्लेश दूर हो सकता है।
जीवन साथी की सेहत संबंधी समस्या खत्म होने की संभावना है। परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, ऑफिस में चुनौतीपूर्ण स्थिति रहेगी लेकिन फायदा होगा। जीवन की किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश में रहेंगे, रोजमर्रा के काम भी आसानी से पूरे हो सकते हैं। पार्टनर से सहयोग मिलेगा और फायदा भी होगा। आज आप अपनी बुद्धि कौशल से दुश्मनों को हरा देंगे। दाम्पत्य जीवन में भी खुशी आ सकती है। नेगेटिव, किसी से कुछ भी बिना सोचे समझने से बचे। पैसों को लेकर किसी के साथ कोई अनबन या समस्या हो सकती है। किसी से ज्यादा सलाह मशविरा करने से कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों और प्रेमी जनों के साथ भी कुछ अनबन हो सकती है, सावधान रहे, आपको बेचैनी भी महसूस होगी। जरा जरा सी बातों पर उग्र होने से बचे। बिजनेस में विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्या करें, पौधों को हल्दी वाली रोटी खिलाएं। लव जीवन साथी की कोई बात आपको गुस्सा भी दिला सकती है, संभल कर रहे, लेकिन आपके संबंध जल्दी ही अच्छे भी हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशी मिलेगी। करियर बिजनेस में विरोधियों से सावधान रहे। कपड़े के बिजनेस में अच्छा फायदा हो सकता है, पैसा खर्च हो सकता है। स्टूडेंट्स को आसानी से सफलता मिल सकती है। हेल्थ, मानसिक तनाव से गुजरेंगे, सेहत का ध्यान रखें। गुस्से के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। मकर पांचेटे खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश करते रहेंगे। आज आप खुद को आर्थिक परेशानी से बचाने की व्यवस्था भी करके चलेंगे। पैसे कमाने के नए तरीके आपके दिमाग में आते रहेंगे। नई योजनाएं बन सकती हैं। आपने जो किया है लोग उससे सहमत और संतुष्ट हो सकते हैं। आपके पुराने काम आपकी मदद करेंगे। सोचे हुए काम समय से पूरे होंगे। कारोबार में व्यस्तता हो सकती है। निवेश भी फायदेमंद हो सकता है। वैवाहिक जीवन में मंगल प्रसंग आ सकता है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग है। नेगेटिव, अपनी मानसिक स्थिति का असर दूसरों पर न पड़ने दें। नजदीकी दोस्तों से अनबन हो सकती है। कुछ लोग आपसे ज्यादा ही नाराज हो सकते हैं। किसी पर भी ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। किसी के भरोसे कोई काम शुरू ना करे। काम फैलने के कारण मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। क्या करे, बंदरों को मीठी पूड़ी खिलाए। वैवाहिक जीवन में मंगल प्रसंग आ सकता है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिल सकती है। करियर, जरूरत से ज्यादा काम अपने सिर पर लेने से टेंशन हो सकती है। आपको मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। कारोबार में भी व्यस्तता रहेगी। निवेश फायदेमंद हो सकता है। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, पुराने रोग दूर होंगे, खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। कुंभ पॉजिटिव, आपको किसी तरह की आजादी भी महसूस हो सकती है। कामकाज के मामले में ज्यादातर समस्याएं जल्दी ही और अपने आप सुलझ जाएंगी। आप खुद भी समस्या के समाधान में बहुत हद तक सफल रहेंगे। आज लिए जाने वाले फैसले या बनाई गई योजनाओं पर कल आपको फिर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है। धैर्य पूर्वक किया गया विचार बहुत फायदा देगा। कोई भी काम बहुत सोच समझ कर ही करेंगे, इससे आपको फायदा भी होगा। न्यायालयीन मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। जमीन जायदाद से भी फायदा हो सकता है। परिवार का सहयोग भी मिल सकता है। आपको अपनी प्लानिंग से सक्सेस मिल सकती है। नेगेटिव, ग्रह नक्षत्र आपको किसी ना किसी तरह कंफ्यूज भी कर सकते हैं। कामकाज में भी मन कम ही लगेगा। नियम कानून ना मानने की प्रवृत्ति भी रहेगी। कोशिशों में सफलता ना मिले तो उदास ना हो। किसी ना किसी बात से आप हैरान हो सकते हैं। कुछ मामलों में कंफ्यूजन बढ़ सकता है। मानसिक परेशानी हो सकती है। हड़बड़ी में भी काम बिगड़ सकते हैं। कारोबार में खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। नौकरों से परेशानी के योग बन रहे हैं। क्या करे, गाय को आटा खिलाए। दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। जीवन साथी आपको और आपकी बातों को महत्व देगा। करियर, अप्रिय स्थितियां बन सकती है लेकिन इससे आपके कारोबार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है। रुका हुआ पैसा अचानक भी मिल सकता है। स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी सफलता मिल सकती है। हेल्थ, आपकी सेहत सामान्य रहेगी। ज्यादा थकान के कारण बदन दर्द रहेगा। नींद की कमी भी हो सकती है।
पिता की सेहत पर भी ध्यान दें। मेन टारगेट आपको ऐसे कई मौके मिल सकते हैं जो घर के बाहर आपकी सक्रियता को सबके सामने लाने में मदद करेंगे। अपना व्यवहार और सोच सकारात्मक रखें। संतान और परिवार जनों के साथ अपने संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। आज आप आम लोगों की मदद करेंगे, आने वाले दिनों में आपको फायदा हो सकता है। अधिकांश परिस्थितियों में फल या नेतृत्व आपको करना होगा। कुछ खास फैसले भी आप ले सकते हैं। आत्मबल बनाए रखें। माता से आपको पूरी मदद मिलने के योग है। आपको भौतिक सुख भी मिल सकता है। संतान से संबंधों में सुधार होगा। नेगेटिव परिवार की खातिर भी आपको अपनी कई इच्छाओं और कई हितों का त्याग करना पड़ सकता है। गोचर कुंडली में आपकी राशि से चौथे भाव में चंद्रमा है। आज चौथे भाव में चंद्रमा होने से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर कर ले। आज आप थोड़े संकोची भी हो सकते हैं। कोई नया काम भी शुरू ना करे तो अच्छा है। क्या करें? किन्नरों को पैसे या हरी चूड़ियां दे? लव पार्टनर और खुद आप उन समस्याओं में उलझ सकते हैं जिनका आपकी आपसी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। करियर, व्यापार और कार्यस्थल पर परेशानियां रहेंगी, लेकिन जल्दी ही इनसे छुटकारा भी मिल सकता है। कोई अच्छी खबर मिलेगी। किसी बहुत उपयोगी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। पढ़ाई में कम मन लगेगा। चिंता बनी रहेगी। हेल्थ थकमर और पेट दर्द की शिकायत हो सकती है।